इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से आ रही है, जहां एक बड़ा ट्रेन हादसा होते होते टल गया। बता दें कि ट्रेन नंबर 19168 साबरमती एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। इस ट्रेन के 22 डब्बे डीरेल हुए हैं। ट्रेन वाराणसी से अहमदाबाद जा रही थी। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, हालांकि कुछ यात्री घायल हुए हैं। बता दें कि यह हादसा देर रात 2:30 के आसपास कानपुर शहर से 11 किलोमीटर दूर भीमसेन और गोविंदपुरी स्टेशन के बीच हुआ है। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि ट्रेन का इंजन पटरी पर रखी किसी भारी चीज से टकराया था। इंजन पर टकराने के निशान भी हैं। उन्होंने कहा कि सबूत सुरक्षित रखे गए हैं। वहीं इंटेलिजेंस ब्यूरो और उत्तर प्रदेश पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे के GM उपेंद्र चंद्र जोशी ने कहा कि यह तय है कि हादसा इंजन के किसी चीज से टकराने से हुआ है, लेकिन मौके पर कोई चीज नहीं मिली है। वहीं जानकारी के लिए आपको बता दें कि हादसे के वक्त ट्रेन की स्पीड 70 से 80 के बीच थी। एक पहिया उतरते ही प्रेशर कम हुआ तो ड्राइवर ने वक्त रहते ही इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए, जिस वजह से बड़ा हादसा होने से बच गया। वहीं यूपी पुलिस के DGP प्रशांत कुमार ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। वहीं कानपुर पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार भी मौके पर पहुंचे और आसपास के लोगों से पूछताछ की। इतना ही नहीं, पटरी के टुकड़े को भी देखा। वहीं आशंका जताई जा रही है कि इसी टुकड़े को पटरी पर रखा गया था, जिस वजह से ट्रेन डीरेल हुई। उन्होंने बताया कि हादसे से पटरियां उखड़ गई और लोहे की क्लिप उड़कर दूर जा गिरी। वहीं रेल अफसरों ने बताया कि हादसे से 1:20 पहले ही पटना इंदौर एक्सप्रेस ट्रैक से गुजरी थी। तब तक ट्रैक सुरक्षित था। हादसे के बाद 16 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। 10 ट्रेनों के रूट भी बदल दिए गए हैं। रेलवे का कहना है कि 24 घंटे में ट्रैक क्लियर कर दिया जाएगा। अर्ली मॉर्निंग 2:30 के आसपास, 2:30 से 3 के बीच पुलिस को करीब 2:50 में सूचना मिली है कि साबरमती एक्सप्रेस डीरेल हुई है। सूचना पाते ही सभी अधिकारी हमारे लोकल फोर्सेज और रिस्पॉन्स यूनिट्स पहुंच गई थी। अच्छी बात यह है कि कोई भी यात्री यथाहत नहीं हुए हैं। उनको दूसरी गाड़ी, रेलवे के ऑफिसर स्विफ्टली पहुंच गए थे। उन्होंने जो रिलीफ कार है और जो अदर ऑल्टरनेटिव ट्रेन है उनसे उनको भेज दिया। मौके को हम लोग मौका मुआयना कर रहे हैं, सभी पहलुओं को जांच कर रहे हैं। हमारी फोरेंसिक टीम आने वाली है, एक बार वो देख लेंगे तो हम प्राइमा फेसी क्या है वो उस पर विचार करेंगे। ये बताना चाहूंगे करीब इसी घटना से ठीक डेढ़ दो घंटे के मध्य एक दूसरी ट्रेन गुजरी है, वो सामान्य रूप से गुजर गई है। यहाँ पर जो हम लोग खड़े हैं इसमें हम लोग इम्पैक्ट कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इन सभी चीजों को जांच कर रहे हैं। जैसे भी अभी होता है आधे पौन घंटे में हम कुछ और भी बताने से। सर साजिश लग रही कोई किया है वहाँ पे? इट इज टू मैच्योर, अभी तो रेलवे इंक्वायरी करेगी। साजिश का ऐसा स्ट्रेटेजिक पॉइंट नहीं है कि कोई इतनी बड़ी साजिश करे। साजिश करने के लिए बहुत सारे पॉइंट है। इट कैन बी ह्यूमन एरर, इट कैन बी एक्सीडेंट, इट कैन बी एनीथिंग एल्स। तो अभी हम लोग अभी देखिए किसी भी चीज को निष्कर्ष में पहले नहीं पहुंचना है। इसमें रेलवे इंक्वायरी भी होगी और हम लोग की भी इंक्वायरी होगी, तब हम लोग कंक्लूड करेंगे क्या होता है। सभी यात्री सर चले गए? अभी तक मुझे ये बताया गया कि सभी यात्री सकुशल भेज दिए गए हैं। अगर कोई बचा होगा तो उनको भी हम लोग। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free.